नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। ये अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। श्री महाकालेश्वर मंदिर में परंपरा अनुसार वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से 22 जून ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तक श्री महाकालेश्वर भगवान जी पर 11 मिट्टी के कलशों से सतत जलधारा हेतु गलतिका बांधी गई। आज सुबह भस्म आरती के बाद कलशों में जल भरकर प्रतीकात्मक रूप से नदियों के नाम गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, शिप्रा, गंडकी आदि नामों को अंकित कर बांधा गया। भगवान श्री महाकालेश्वर पर सतत शीतल जलधारा प्रतिदिन प्रातः भस्म आरती के पश्चात से शाम पूजन तक रहेगी। उसी तरह भीषण गर्मी से राहत के लिए विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल को ठंडे जल से शीतलता प्रदान की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पर नियमित चांदी की कलश की जलधारा के अलावा 11 अतिरिक्त मिट्टी की मटकियों से जलधाराएं प्रवाहित की जाएंगी, जो ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तक करीब 2 माह बंधी रहेगी। भीषण गर्मी में भगवान श्री महाकालेश्वर जी को 2 माह तक प्रतिदिन भस्म आरती के बाद प्रातः 6 बजे से साय 5 बजे संध्या पूजन तक गलंतिका बंधेंगी। इसे ठंडा रखने के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। गर्मी के दिनों में विष की उष्णता और भी बढ़ जाती है, इसलिए वैशाख व ज्येष्ठ मास में भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए मिट्टी के कलश से ठंडे पानी की जलधारा प्रवाहित की जाती है, जिसको गलंतिका कहते हैं। पंडित महेश पुजारी ने बताया कि वैशाख एवं ज्येष्ठ माह तपन के माह होते हैं। भगवान शिव के रुद्र एवं नीलकंठ स्वरूप को देखते हुए सतत शीतल जल के माध्यम से ये जलधारा प्रवाहित करने से भगवान शिव प्रसन्न एवं तृप्त होते हैं तथा प्रजा एवं राष्ट्र को भी सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। परंपरा है महाकालेश्वर मंदिर की, और यहाँ के जो उत्सव है वो परंपरागत अनुसार ही मनाए जाते हैं। वैशाख प्रतिपदा आज जो है वैशाख का दिन है, और वैशाख प्रतिपदा जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण महीना है। इसमें वैशाखी स्नान होता है और गर्मी ज़्यादा होती है, तो भगवान महाकालेश्वर और शिव पर गलतियाँ चढ़ाई जाती है। पानी की मटकियाँ होती है जो मिट्टी की बनी होती है, वो चढ़ाई जाती है। महाकाल में भी आज से ये 11 मटकी भगवान के ऊपर धारण कराई गई है भस्म आरती के बाद, और आज से सतत 2 महीने तक वैशाख महीना और पूरा ज्येष्ठ महीने में ये जलधारा सतत भगवान को चालू रहेगी। इसका ये है कि गर्मी के मौसम में भगवान को जलधारा होने से भगवान को शीतलता प्राप्त होती है, और उसी शीतलता के कारण भगवान अपने भक्त का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इसलिए ये 2 महीने गर्मी में शिव मंदिरों पे महाकाल की परंपरा है। यहाँ जितनी मटकियाँ होती हैं उनके नाम भी होते हैं, किसी का गंगा नाम होता है, किसी का शिप्रा नाम होता है, किसी का सरस्वती। उन मटकियों पे ऐसे नदियों का जो पवित्र नदियाँ हैं उन पवित्र नदियों के नाम भी लिखे जाते हैं, और कोटि तीर्थ के जल से उनको प्रतिदिन भरा जाता है, और भगवान पे एक एक बूंद भगवान पे जलधारा होती है, जो आज से प्रारंभ है। अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए।